नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। आज हम बात करने वाले हैं चेहरे पर होने वाले पिगमेंटेशन की। चेहरे पे जो मुहासों के दाग रह जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं और ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे पे, उन्हें कैसे आप आसानी से घर पर ही दूर कर सकते हैं, उसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ इसे आप बहुत ही बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है, और किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई भी साइड इफ़ेक्ट का इसमें इशू नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है और आपका घर पर बनाया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है इसे इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ आप अपने चेहरे पर चमक भी बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, वो भी बेदाग। इसे बनाने के लिए हमें एक टमाटर चाहिए होगा, जिसे हमें कद्दूकस कर लेना है, और साथ ही हमें इसमें मिक्स करना है एलोवेरा जेल। तो मेरे पास एलोवेरा जेल नेचुरल वाला नहीं है, इसलिए मुझे ये रेडीमेड एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैंने हमेशा कहा है, अगर आपके पास एलोवेरा जेल का पौधा है तो आप उस एलोवेरा जेल को इस्तेमाल में लाएँ, उससे एलोवेरा जेल को निकाल कर उसे इस्तेमाल में लाएँ। तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से धोकर उसे कद्दूकस कर लेना है। ये मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, और इस कद्दूकस किए हुए टमाटर में आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों मिक्स हो जाए तो इसे हम अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। टमाटर हमारे चेहरे में जो भी दाग हो जाते हैं मुहासे होने से, उन सबको ये दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो एलोवेरा जेल है वो हमारे चेहरे पे शाइन, चमक और गोरापन लाने में मदद करता है। ये पूरा पेस्ट आपको इस्तेमाल करना है एक बार में अपने चेहरे पर। इसे कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आपको अपने चेहरे को गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको टॉवल से चेहरे के पानी को पोंछना नहीं है, उसे अपने आप सूखने दें। जब आपके चेहरे का पानी सूख जाए तो आपको इस पेस्ट को लेकर अपने चेहरे पर पूरी तरह से लगा लेना है। जब पहला लगाया लेयर अच्छी तरह से सूख जाए तो आपको दोबारा से फिर से एक लेयर और लगाना है, और उसके बाद दो बार ऐसे लेयर लगाने के बाद आपको धीरे धीरे अपने हाथों से सर्कल मोड में मसाज करना है। इस तरह से आपको सिर्फ ये 15 मिनट करना है। ऐसा करने से 15 मिनट करने के बाद आप इस पैक को अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद जाकर अपने चेहरे को वॉश करें। ख़ास तौर से बेहतर होगा कि ये काम आप नहाने से पहले करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से आप अपने गर्दन पर भी अच्छे से इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक बार के ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अपना फेस। इस तरह से आपको वीक में 3 डेज इस्तेमाल करना है इस पैक को, और 100% आपको ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही काम की है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस पैक का। और आप इस्तेमाल कर ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये पैक कैसा लगा, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा, ये घर में बेहद आसानी से बन जाएगा। जिनके चेहरे पर झाइयाँ हैं उनके लिए ये ज़रूरी होगा ज़्यादा असर के लिए। जितनी जल्दी वो चाहते हैं कि उन पर ये पैक असर कर जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रात को वह सोते वक्त थोड़े से 2-4 बूंद कैस्टर ऑयल में 2-3 बूंद गुलाब जल मिक्स करके रात को सोते वक्त लगा लें, और सुबह ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें और इस पैक का इस्तेमाल करें। ये उनके लिए मैंने बताया है जिनके चेहरे पर झाइयाँ हैं, वरना जिनके चेहरे पर झाइयाँ नहीं हैं, सिर्फ मुहासों के दाग हैं या काले धब्बे हैं चेहरे पर, तो उनके लिए ये पैक सिर्फ ऐसे ही लगा कर 15 मिनट इस्तेमाल करिए और फिर वॉश कर लीजिए, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए गृह संगिनी में आप सभी को मेरा नमस्कार।